इज़राइल हमास का युद्ध काफ़ी भयंकर कंडीशन में चल रहा है, काफ़ी ह्यूमन बीइंग्स की डेथ हो चुकी है। इसी बीच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री की एक बैठक हो रही है जिसमें सऊदी प्रिंस ने काफ़ी ख़तरनाक बात बोली है जो हमास को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम टू न्यू क्वांटम क्लासेस, मायसेल्फ संजय कुमार, आई वुड लाइक टू डिस्कस हमास इज़राइल वॉर अकॉर्डिंग टू OIC मीटिंग। तो सऊदी अरब मीटिंग चल रही है जिसमें आपको मालूम ही होगा कि सऊदी अरब इज़राइल के नज़दीक आ रहा था, बैकडोर है ना, मीटिंग चल रही थी इनकी, है ना, डिप्लोमेटिक मीटिंग। लेकिन ये बात हमास को अच्छी नहीं लगी और सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग है ना संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री और अरब लीग के देशों के बीच मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गाजा पर हमले रोकने की मांग की गई। कई देशों ने इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। हालांकि सऊदी क्राउन प्रिंस ने भी युद्ध रोकने का की वकालत की है, लेकिन सऊदी अरब के रियाद में जो मीटिंग हुई ना अरब लीग की, इस मीटिंग में सीज फायर की जो मांग की गई, इसी के साथ साथ बंधकों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। जो होस्टेजेस हैं हमास ने पकड़ रखे हैं उन्हें छोड़ने के लिए बोला गया। आपको बताएं इजराइल ने निकाला है हमास का दम, सुरंगें तबाह कर दी हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि इजराइल और हमास का युद्ध एक महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है और वो लगातार जारी है, पैलेस्टाइन के अंदर काफ़ी बिल्डिंग्स बर्बाद हो गई हैं, इजराइल इस चक्कर में बॉम्बार्डमेंट करवा रहा है कि हमास के आतंकवादी और उनकी ऑफिसेस हो सकती हैं, अमेरिका समेत कई पश्चिमी देश सीज फायर की मांग कर चुके हैं, लेकिन इजराइल किसी भी हैं बात को सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच सऊदी अरब के रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन OIC और अरब लीग देशों के नेताओं की एक असाधारण बैठक हुई। इस मीटिंग में दुनिया भर के मुस्लिम देशों के नेता पहुंचे थे। बैठक में फिलिस्तीन के मुद्दे के समाधान की बात की गई। यहां इजराइल की आलोचना करते हुए गाजा पर बमबारी रोकने का आह्वान किया गया। बैठक में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने इजराइल के खिलाफ सबसे कठोर कदम का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने इजराइल को तेल की आपूर्ति रोकने को कहा। कई अन्य देश भी इजराइल और उसके सहयोगियों के साथ आर्थिक और राजनयिक संबंध खत्म करने के पक्ष में थे। हालांकि इसमें बैठक के सभी देश एकमत नहीं दिखे। इस बैठक में शामिल हुए नेता इजराइल पर दबाव बनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। बैठक के जरिए वह मुस्लिम देशों की एकजुटता दिखाना चाहते हैं। मीटिंग में आपको बताएं काफ़ी सारे लोग पहुँचे। यह मीटिंग इतनी महत्वपूर्ण थी कि पिछले 11 वर्षों में पहली बार कोई ईरानी राष्ट्रपति सऊदी अरब पहुंचा है। बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भी पहुंचे। बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी पहुंचे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद, जॉर्डन के राजा और दुनिया के तमाम मुस्लिम नेता शामिल हुए। पाकिस्तान का तो कोई नाम ही नहीं इसमें। इंडोनेशिया के है ना राष्ट्रपति जोको विडोडो और पाकिस्तान के अंतरिम पीएम आ गए, पाकिस्तानी अंतरिम पीएम अनवारुल हक काकड़ भी पहुँचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने यहाँ का यरूशलम मुस्लिमों के लिए एक रेड लाइन है, हमारी ख्वाहिश है, और यरूशलम मुस्लिमों के लिए एक रेड लाइन है, हमारी ख्वाहिश है कि शांति के शहर के रूप में जाना चाहिए यरूशलम, क्या बोले प्रिंस सलमान इस बात को सुन के। इस मीटिंग का उद्घाटन करने के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है। इस दौरान उन्होंने इजराइल को कब्जाधारी भी बताया। MBS ने तुरंत सीज फायर
करने की मांग की। इस दौरान प्रिंस ने आरोप लगाया कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानूनों को लागू करने में दोहरे मापदंड अपनाए जाते हैं। उन्होंने कहा, हम एक मानवीय त्रासदी का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसराइल को रोकने में नाकाम रहा है। ये दोहरे मापदंड को दिखाता है। हालांकि प्रिंस सलमान ने गाजा में बंधक बनाए गए लोगों की रिहा करने की भी मांग करी, जो संभव है कि हमास पसंद नहीं करेगा। कभी 6 दिनों में 3 देशों को हराया था इसराइल ने, और आज देख रहे हैं आप, 1 महीना हो गया है। महीने भर बाद भी हमास से क्यों नहीं जीत पा रहा इसराइल? सबसे बड़ा खुलासा तो ईरान ने हमास को दिया था, है ना? क्या वो मौत का सामान जिससे इसराइल में मचाई गई थी तबाही? आपको बता दें कि मलंग आदमी मिल गया, है ना, जिसने ये बर्बादी कर डाली। जय हिंद, जय भारत।